इस पांव से बाप के मुंह पे ठुड्डा मारा था, इस पांव से या उस पांव से? किस पांव से ठुड्डे मारे थे, राइट से या लेफ्ट से? किस पांव से ठुड्डे मारे थे बाप को? याद नहीं है। याद नहीं है? खुमारी चढ़ी थी जवानी की? अबू को जब मार रहे थे तो अबू आए आए कर रहे? जी बेशक कर रहे। वीडियो में मैंने सुना है। जी मैंने भी सुना। ठीक है, तुम्हें तरस नहीं आया बाप पे? जूता पहना हुआ था उस टाइम? जी यही जूता पहना हुआ था। जी यही जूता पहना हुआ, यही जूता पहना था जो मार रहे हो सीने? मेरी मैम मार रहे थे सीने पे। तुमने तो बेटे के रिश्ते को बदनाम कर दिया। आपका मकसद तो सारी दुनिया ने देखा है वीडियो में। मैं इस बार भाई का बेटा। मुझे शर्म आ रही है आपसे सवाल करते हुए। आपने दाढ़ी रखी है मुँह पे, शर्म आ रही है मुझे। अपने बेटे से कभी मार खाई है? जी नहीं। कितना सा बेटा है? 18 साल का। 18 साल का है? ठुड्डे छुड्डे खाए कभी? जी नहीं। चपेड़े? जी नहीं। नहीं को दरवाजे के पीछे फेंका हो बेटे ने? जी नहीं। क्यों? कैसा लगेगा? क्या नाम है बेटे का? फैसल। फैसल अगर चपेड़े मारे कैसा लगेगा? मुलजमान की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? फहद। फहद ऊपर कर लो और आवाज भी उसी तरह ही निकालनी है जिस तरह घर निकलती है। जी ठीक है। बाप के सामने आवाज निकलती है? निकलती है, अभी भी निकलनी चाहिए। वही जिस्म, वही सेहत, वही कद, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे। कितनी उम्र है? 40 साल। 40 साल। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं? जी। बेटी बेटा? जी बेटी बेटा। क्या करते हो? ऑटो इलेक्ट्रिशियन। ऑटो इलेक्ट्रिशियन हो। शादी किसने की है? शादी घर वालों ने की। घर वालों में कौन होता है? घर वाले किसे कहते हैं? मुझे नहीं पता। वालदैन। वालिदैन को? जी जी। और किसे कहते हैं? बहन भाई। बहन भाइयों को। बहन ने शादी की है? नहीं जी। भाई ने शादी की है? नहीं। वालिद ने शादी की है? जी जी। वालिदा ने शादी की है? जी जी। वालिदैन ने शादी की है? जी जी। ये 40 साल की उम्र, ये जवान, ये जवानी, ये सेहत, ये किसने दिया सब? अल्लाह ताला। ये सेहत किसने दी? अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह की तरफ से? आसमान से नीचे गिरे थे 40 साल के? जी नहीं। शायद रात को सोए हो तुम, ऊपर से नीचे गिर गए हो, ऐसा हुआ था? जी नहीं। कैसा हुआ था? नेचुरल प्रोसेस के तहत ही आया सर। कैसे नेचुरल प्रोसेस? तो तुम्हें बड़ा बताना आ रहा है। नेचुरल प्रोसेस वालदैन का नहीं पता? जी वालदैन के जरिए। नेचुरल प्रोसेस मुझे बता रहे हो कि नेचुरल प्रोसेस से मैं दुनिया में आया था। नेचुरल प्रोसेस के बाद रात को गीली चारपाई पे मां सोती थी। जी बिल्कुल ऐसा। बाप सऊदी अरब में कमर की हड्डियां रगड़ता था। जी बिल्कुल ऐसा। समझ आ गई? पूरी जवानी बाप ने सऊदी अरब में गलाई थी इस जिस्म में जान डालने के लिए। जी बिल्कुल आ गई समझ? ऐसे ही। इस तरह तुम्हें ये जवानी मिली है? जी बिल्कुल आ गई समझ। ये नेचुरल प्रोसेस मुझे नहीं बताना। जी ठीक। बाप ने दी ये जवानी? जी जी बिल्कुल। ये रंग रूप बाप ने दिया? बिल्कुल ऐसा। झुग्गी में तो नहीं रखा? जी नहीं। झुग्गी में रखा था? जी नहीं। रात को रेड़ी पे सुलाया था? जी नहीं। रोज रात को इसी तरह ठुड्डे दे के सुलाता था? बस अब शुरू से जो है मारपीट तो करते। शुरू से पैदा हुए थे तो उठाते साथ थप्पड़ पड़ा था? नहीं ऐसे जो कुछ याद नहीं, लेकिन वालदा जो कहती है वैसे। 4 से 5 साल की उम्र के बाद बच्चे को याद होता है? क्या उस उम्र में ठुड्डे पड़ते थे? जी बिल्कुल। सेहत नहीं बताती? उस टाइम पढ़ते थे जी। उस टाइम पढ़ते थे? जी। किस बात पर पढ़ते थे? बिना बात पर। वाल साहब के थोड़ा ऐसे ही बिहेवियर था, वो बगैर बात के जो है मारना पीटना शुरू कर देते। बगैर बात के मारते थे? जी जी। शरारत पे मारते थे? कभी शरारत पे, कभी बगैर शरारत पे। कभी बगैर शरारत के? जी। यानी जब आप? जी। उसके बाद वाले साहब ने मेरी मुझे फूफो को दे दिया था। अच्छा। मैं फिर 8 साल उनके पास रहा हूँ। फूफो के पास? जी जी। वो फूफो भी तो बाप की बहन थी, तो तुम्हारी थी। क्यों मजबूर कर रहे हो मुझे सख्त लफ्ज बोलने पे? किसकी बहन थी? जी वाले साहब की बहन। वाले साहब की थी? जी। तो फिर भाई का बच्चा पाल रही थी ना? जी बिल्कुल ऐसी। क्या किसी मोहल्लेदार का बच्चा पाल रही थी? जी बिल्कुल ऐसी। क्या बिल्कुल ऐसे ही है? भाई का बेटा पाल। मुझे शर्म आ रही है आपसे सवाल करते हुए। आपने दाढ़ी रखी है मुंह पे, शर्म आ रही है मुझे। मैं आपसे क्या सवाल करूं, क्या सख्त सवाल करूं या ना करूं, मुझे समझ नहीं आ रही है। 4 से 5 साल की उम्र के बाद तुम्हें याद है कि तुम्हारे वालिद साहब तुम्हें मारते थे, ऐसे ही है? जब होश संभाली तो यानी कि उनके। बोलो शाबाश शाबाश बोलो। 4 से 5 साल के थे तो तुम्हें मारते थे?
कभी गलती पर और कभी बगैर गलती के। जी जी, ये कहना चाहते हो? जी जी ऐसे ही है। कितनी उम्र तक मार पड़ती रही? जवानी तक। जवानी तक जी, 16-17 साल। 16-17 साल की उम्र तक मार पड़ती रही। जी जी। 4 से 5 साल के बच्चे को ये नहीं पता होता कि वो शरारत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? जी पता होता है? पता नहीं होता। तुम्हें कैसे पता है इस टाइम कि कभी शरारत पे मार पड़ती थी और कभी वैसे ही पड़ती थी? जब होश संभाला है उसके बाद की बात कर रहा हूं। मैं भी वही बात कर रही हूँ। मैं कौन सा तुम्हारी अब की बात कर रही हूँ, मैं भी बचपने की बात कर रही हूँ। जी जी। नहीं पता होता बच्चे को ये उसने गलत किया है या सही किया है? आपको पता था? नहीं। नहीं पता था? आपने एक सेकंड में कैमरे के सामने उस बाप पर इल्जाम लगा दिया जिसने जवानी पूरी मेहनत कर करके आप लोगों को पाला। गलत किया सही किया? इल्जाम लगाना मकसद नहीं था, सिर्फ बात बताना मकसद। आपका मकसद तो पूरी दुनिया ने देखा वीडियो में भाई, तुमने तो बेटे के रिश्ते को बदनाम कर दिया। आपका मकसद तो सारी दुनिया ने देखा है वीडियो में। मैं इस बात पर माजरत खाऊं? माजरत करने से क्या होता है? माजरत करने से क्या होता है? बाप के मुंह पर ठुड्डे मार रहे हो तुम हैं? बाप को गिरेबान से पकड़ के तुम जमीन पर झंझोड़ रहे हो, बाप के सीने पर तुम जूते मार रहे हो। माजरत? किस चीज की माजरत? किस चीज की माजरत है भाई? हो सकता है मुझे नहीं समझ आ रही, समझा दो। किस चीज की माजरत मांग रहे हो? बदतमीजी की, तशद्दुद की, बेजमीरी की, नाफरमानी की, किस चीज की? इन सब की माजरत चाहता हूँ। वालिद साहब से माफी भी मांगना चाहता हूँ। अगर वालिद साहब? अब वालिद साहब हो गए? जी बिल्कुल। हाँ, किस पांव से ठुड्डे मारे थे? राइट से या लेफ्ट से? किस पांव से ठुड्डे मारे थे बाप को? याद नहीं है। याद नहीं है? खुमारी चढ़ी थी जवानी की, शैतान आया हुआ था? किस पांव से बाप के मुंह पे ठुड्डा मारा था? इस पांव से या उस पांव से? ये जो जिस्म में रगों में जो खून दौड़ रहा है ये किसने दिया? ये वालिद साहब की वजह। वालिद साहब ने दिया? जवानी उन्होंने दी? ये रंग रूप उन्होंने दिया? ये 6 फुट 6 क्या कहते हैं इसे, ये जो तुम्हारी छाती चौड़ी है ये किसने दी है? उन्हीं की वजह से। उन्हीं की वजह से है? फिर उन्हीं को मारना शुरू कर दिया तुमने? जी गलती हुई है मुझसे, मैं इस बात पर जो है उनसे माफी मांगना चाहता हूँ और आप सबसे भी माफी मांगना। मैं आपका पैचअप कराने नहीं आई यहाँ पे, मैं आपका पैचअप कराने बिल्कुल नहीं आई। मेरे साथ आपने कुछ नहीं किया जो आप मेरे से माफी मांग रहे हैं। आपसे पूरी कौम से माफी मांगे? माफी मांग रहा हूँ पूरी कौम से कि मुझे जो है इस बात की जो मैंने गलती की है। क्या हो गया था? उसकी माफी चाहिए। गाल नहीं मुकुनी थे, माफी करो प्रोग्राम बंद करो, ये नहीं होना। हुआ क्या था उस टाइम, मसला क्या था? बाप से इतनी नफरत क्यों थी? चलो मैं खामोश हूँ, बोलो। वालिदा जो है वो उन्होंने खुला दायर किया था। वालिदा ने? जी वालिदा ने। अच्छा। वालिदा जो है वो यानी के पहले उन्हें भाई के पास ही रह रही थी, वालिद साहब भी उसी छोटे भाई के पास ही रह रहे थे जो वीडियो में आपको साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। वो वालिदा ने खुला दायर की थी? जी वालिदा जो है वालिद साहब से नाराज होकर, भाई से नाराज होकर मेरे पास आ गई। ये तकरीबन 25 दिन पहले की बात है। उन्होंने फिर जो है कहा कि मैं जो है ना वालिद साहब के साथ नहीं, अब तुम्हारे वालिद के साथ नहीं रह सकती, मेरा उनके साथ अब गुजारा मुश्किल है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अब भी जो है वो सेम पुराना वही तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, तो मैं नहीं उनके पास जाना चाहती। वालिदा ने जो है खुला दायर कर दिया। वालिदा का कुछ सामान था जो भाई के घर था, एक एसी था, एक टीवी था और एक बेड था। वालिदा को काफ़ी समझाने की कोशिश की थी कि अम्मी आप छोड़ दें सामान, सामान हमारे पास बहुत है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, सामान ना लेने जाएँ। लेकिन वालिदा मानी नहीं, कहती नहीं मेरा सामान है, मैं अपना सामान ले कर रहूँगी। तो भाई से फिर वालदा की बात हुई, वालदा ने भाई को कहा कि मुझे मेरा सामान चाहिए। भाई ने हमें खुद घर बुलाया कि आप आ जाएं, आपका सामान समेट के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, आके ले जाएं। हम लोग लेने गए हैं तो आगे से जो है वो पहले मेरे बहनोई हैं, इन्हें धक्के दे के बाहर निकाला। कौन से बहनोई? जी मेरे बहनोई हैं। अच्छा। इन्हें धक्के दे के बाहर निकाला। आपने? जी वालिद साहब ने। उनकी जान और इनकी जान में बड़ा फर्क है, बस करो इस टाइम बाज आ जाओ। जी मैं बुजुर्ग आदमी है, वो इस जवान आदमी को धक्के कहाँ से दे सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा, उन्होंने धक्के दिए और उन्हें जो है गेट से बाहर निकाल दिया। मैं जब थोड़ी वालिद साहब को मैंने कहा कि आपने ये सही नहीं किया, बहनोई है वो, आपका जवाई है, ऐसा नहीं करना चाहिए,
तो वाले साहब मेरे साथ झगड़ना शुरू हो गए और मुझे भी धक्के देके जो है मैंने वाले साहब को कोई यानी कि कुछ भी नहीं कहा। कितनी उम्र है अबू की? अबू की तकरीबन 60 साल। 60 साल का आदमी तुम्हें धक्के दे सकता है? मैम वो धक्के दे, वो बेचारा मार खा के उठ नहीं सका, वो तो बेचारा मार खाते हुए तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पा रहा। नहीं वो असल में जमीन पे गिरा हुआ, उठ के भाग ही जाए, उसमें तो इतनी सख्त भी नहीं है। मैं उस टाइम रेजिस्ट नहीं कर रहा था ना, क्योंकि जो वो कर रहे थे मैं उनको रेजिस्ट नहीं कर रहा था। अच्छा। इसलिए वो वाले साहब जैसा धक्के दे रहे थे मैं जो है वैसे यानी कि अपने आप को धकेल रहा था। अच्छा। वाले साहब ने मुझे जो है धक्का दे के जो है ना बाहर निकाल दिया। हाँ। और गेट जो है बंद कर दिया। हाँ। अंदर से अम्मी की जो है ना चीखने की आवाजें आ रही थी, तो हमारी नौकरानी भी साथ हमारे गई थी सामान उठाने के लिए। अम्मी की चीखने की आवाजें क्यों आ रही थी? अबू ने जो है अम्मी को जो है पीटना शुरू कर दिया कि मुझसे क्यों खुला ले रही और मैं नहीं होने दूंगा। और अच्छा। ये वो नौकरानी ने दरवाजा खोल दिया जब अम्मी को अबू ने थप्पड़ मारे। तो मैं अंदर आया हूँ तो अम्मी को थप्पड़ पड़ रहे थे और अबू जो है उनका गला दबाने की तरफ जा रहे थे, तो मैं उससे रहा नहीं गया। फिर मैंने उन्हें वहाँ से धकेला है और धकेल के नीचे गिराया। उसके बाद में मैं जैसे यानी अपना आप खो बैठा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैंने उसके बाद में जो यही जूता पहना हुआ था उस टाइम। जी यही जूता पहना हुआ था। जी यही जूता पहना हुआ, यही जूता पहना था जो मार रहे हो सीने मेरे मेरी मैम मार रहे थे सीने पे। मुझे यानी असल में यानी कि याद नहीं कि मेरे काम मैं क्या कर रहा हूँ उस टाइम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। गुस्से में इतना यानी कि मैं हाइपर हो गया, वायलेंट हो गया, समझ ही नहीं आई कि मैंने क्या किया है। जो हकीकत है मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। उन्हें यानी कि मैं मारता रहा और भाई जो है वो साथ में, मैंने वीडियो में बाद में देखा है, मुझे दिखाई गई जब, तो मुझे मैंने कभी भाई साथ में खड़ा रहा है और मुझे जो है उसने धकेल देता, धक्का मार के जो है गिरा देता भाई? जो साथ में वीडियो में आपको नजर आ रहा है ये खड़े में जिस, ये नहीं ये तो बहनोई है, उन्हें निकाल दिया वीडियो में देखेंगे ये थोड़ी वीडियो। वो भाई है मेरा सगा, ये बहनोई है। अच्छा जी, उसको क्यों नहीं पकड़ के लाए? पता नहीं, पकड़ना चाहिए जी, पकड़ना चाहिए था। उसका वालिद था। हाँ। मुझे मार उसका देता, वालिद था? उसका भी वालिद है ना जी? उसका वालिद था जी, उसका भी वालिद है ना? उसका वालिद था ना जी? जी तुम्हारा क्या था? मेरा भी वालिद है। तुमने क्या किया? एक अब तुम्हें प्रॉब्लम ये है कि भाई क्यों नहीं यहाँ पे हाथ? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भाई तो नहीं मार रहा बाप को। नहीं मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं पहले भी कह चुका हूँ मैं अपनी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। मैंने रॉन्ग किया है एंड मैं उस पर यानी खड़ा हूँ कि मैंने गलती की है, मान रहा हूँ। लेकिन ये जमीन हटे ना तो इसके अंदर दफन हो जाओ, फिर भी माफी नहीं है। पता है इस बात का बाप का दर्जा क्या है? मैंने रॉन्ग किया है, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, बस फिल्म पूरी। लेकिन खड़ा हुआ जो भाई साथ में, उसे मुझे रोकना तो चाहिए था। हो सकता है तुमसे डरता हो, तुम जैसे बाप को डरा रहे हो, भाई को पता नहीं कितना डराते हो गए तुम। मेरी तो समझ से बाहर है, बाप ने तुम्हें अब तक आग क्यों नहीं किया? इस जायदाद की खातिर तुम बाप को मार रहे हो, अब तुम रंग दे रहे हो अम्मी अबू की लड़ाई का कि जी मेरी अम्मी को मार पड़ रही थी, जायदाद का मसला था। आप अम्मी से ही पूछ सकते हैं, मैं पूछ लेती हूँ, रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं, मैं पूछ लेती हूँ, जायदाद का मसला था जी, जायदाद का मसला, बाकी की जायदाद भी मुझे दे दो। नहीं जी, मैंने वालिद साहब से कोई जायदाद नहीं ली। कोई जायदाद नहीं ली जी? नहीं। 4-5 करोड़ की जायदाद किसकी है जी? मेरी अपनी है। आपकी अपनी कहाँ से आ गई? मैं बाहर गया था, वहाँ से कमाई थी, वहीं काम किया है, तो वहाँ से बना के लाया हूँ। अच्छा, फिर वारिस साहब से मैंने कुछ भी नहीं अब तक लिया। ठीक है। दादा जान ने जो है वो उनको, उन्होंने भी वारिस साहब को आग किया, उनको उधर से भी कुछ नहीं आया। अच्छा ठीक है। अबू को जब मार रहे थे तो अबू आए आए कर रहे? जी बेशक कर रहे, वीडियो में मैंने सुना है जी, मैंने। ठीक है, तुम्हें तरस नहीं आया बाप पे? बूढ़ा बंदा है कि अल्लाह माफ करे, अटैक ही ना हो जाए। अल्लाह रहम करे, जितनी जोर जोर से तुम जूते मार रहे हो कि दिल ही ना बंद हो जाए, धड़कन ही ना बंद हो जाए। बिल्कुल ऐसी बात, फर्क नहीं पड़ा उस टाइम? उस टाइम मुझे नहीं एहसास हुआ, समझ नहीं आई, लेकिन बाद में जो है। अपने बेटे से कभी मार खाई है? जी नहीं। कितना सा बेटा है? 18 साल का। 18 साल का है? छोटे छोटे खाए कभी? जी नहीं। चपेड़े? जी नहीं। नहीं को दरवाजे के पीछे फेंका हो बेटे ने? जी नहीं। क्यों, कैसा लगेगा? क्या नाम है बेटे का? फैसल। फैसल अगर चपेड़े मारे कैसा लगेगा? कैसा लगेगा एक पल के लिए सोचो, तुम भी तो बेटे हो ना, तुम्हें भी तो रातों को इसी तरह ही पाला होगा ना तुम्हारी माँ ने बैठ बैठ के। जाहिर है सबको, मुझे तुम्हें सबको, जितने इस जमीन पे फिर रहे हैं ये घबरू जवान और फिर औरतें, सबको माओ ने रातें जाग के पाला है ना, नेचुरल प्रोसेस के बाद। हाँ, रातें जाग जाग के पाले और बाप लाता था कमा के, माँ को देता था, माँ बच्चे के मुंह में फीडर डालती थी, करते 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 बच्चा हुआ बड़ा,
फिर उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आओ बेटा तुम्हें रास्ता दिखाऊं। घर से बाहर का रास्ता किया है, फिर स्कूल छोड़कर आई, फिर स्कूल से लेकर आई, फिर कभी बच्चे ने तंग किया तो बाप को शिकायत लगाई कि आज ये बच्चा मुझे तंग कर रहा है। ऐसे ही हुआ ना? जी हजूर। आपने भी फैसल को ऐसे ही पाला है? जी बिल्कुल। अब फैसल जो दे ठुड्डे तो क्या बीतेगी भाई, क्या बीतेगी? मैंने किसी कानून में नहीं पढ़ा, मैंने दीन में नहीं पढ़ा, मैंने कुरान में नहीं पढ़ा, मैंने किसी हाजी से नहीं सुना, मैंने किसी मौलवी से नहीं सुना, मैंने किसी इस्लामिक स्कॉलर से नहीं सुना कि बाप को ठुड्डे देने के बाद अगर बोल दो सॉरी तो उसकी माफी है। वालदा पीछे खड़ी होके कह रही है होर मारे नू? जी हाँ जी। आपने बोला नहीं अम्मी आप गलत कर रही हैं, अच्छे बुरे की तमीज आ चुकी होती है 40 साल की उम्र में। जी बिल्कुल ऐसे ही। आपने कहा नहीं अम्मी को? अम्मी नहीं, झगड़ा अपनी जगह पे, दीन इजाजत देता है खुला की, दीन ने रास्ता रखा है। आपने मना नहीं किया अम्मी को? जी किया था मना। मना नहीं किया आपने, ठुड्डा दिया है, मना नहीं किया आपने, वीडियो मैंने नहीं पूरी दुनिया ने देखी है, आपने ठुड्डा दिया है। वहां से भी सुकून नहीं आया तो गरेबान पकड़ के ठा जमीन पे मारा फुटबॉल की तरह बाप को, जैसे बाप फुटबॉल होता है। हाँ वहां से भी सुकून नहीं आया तो लोहे का दरवाजा खींच के मारा। अल्लाह जाने बूढ़े गरीब की कमर की हड्डी फ्रैक्चर हुई है नहीं हुई है, कहाँ नील पड़ा, कहाँ से वो चल सकेगा, कब तक वो दर्द बर्दाश्त करेगा, वहां भी सुकून नहीं आया। फिर उसके बाद बाहर कहाँ चले गए हो? बाहर थाने आ गया था, पुलिस स्टेशन। अच्छा ठीक हो गया, क्या मिला, क्या मिला? ज़िल्लत रसवाई।